नमस्ते दोस्तों, ट्रेंडिंग उदयपुर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जाड़ोल उदयपुर से दुष्यंत पुरपिया आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आप सभी को जाड़ोल क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरिहर धाम बद्रणा लेकर चलता हूं। आज आपको निर्जला एकादशी के दिन यहां से लाइव दर्शन करवाता हूं और इस मंदिर, ये पौराणिक मंदिर है और इसके कुछ इतिहास के बारे में और चमत्कार के बारे में भी कुछ आपको जानकारी देंगे। एक बार आप सभी को मैं दर्शन करवा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, अभी जैसे कि अभी निर्जला एकादशी है इसलिए यहाँ पे फलों का भोग लगाया गया है, फल और फ्रूट जो है इनका भोग लगा रखा है। आपको मैं सीधा गर्भगृह से मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। इन्हें जाड़ोल के सेना जी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि ये बहुत पुरानी मूर्ति है और ये क्षेत्र की पहली ऐसी मूर्ति है जो दीवार से एक या दो फीट की दूरी पर खड़ी है। मतलब इस मूर्ति के कोई पीछे की तरफ कोई सहारा नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि पहले के टाइम में इस मूर्ति के नीचे सूत का एक धागा निकाल सकते थे, इतना इस मूर्ति के नीचे गैप था। और भी इस मूर्ति में कई चमत्कार है और बताया जाता है कि ये हरि और हर भगवान विष्णु और महादेव और साथ ही श्री कृष्ण तीनों का समावेश है इस मूर्ति में, इसलिए इसे भगवान श्री हरिहर कहा जाता है। आपको अभी मैं सीधा दर्शन करवाता हूँ। फिर मंदिर समिति के अमर सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में और चमत्कार के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हरिहर धर्मोत्सव समिति के श्री अमर सिंह जी, उनसे हम इस मंदिर के इतिहास और चमत्कार के बारे में जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके अमर सिंह जी, आप जय हरिहर जी की, भगवान हरिहर जी की। ये बहुत पुरानी मंदिर है, हजारों साल पुराना। यहाँ त्रिवेणी संगम है, मानसी और रोहली, इन दोनों रोली नदी के बीच में मूर्ति प्रकट हुई और वहाँ से यहाँ स्थापित की गई। भगवान हरिहर जी के यहाँ हजारों साल इस मंदिर को हो गए हैं। महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह जी तक इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराया है और मंदिर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हैं जो आपके सामने हैं। साथियों, ये विश्व की पहली मूर्ति होगी जो दीवार से 5 फुट पहले है, दोनों पांव पे खड़ी है, एक ही पाचन में भगवान हरि और हर, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब महादेव, दोनों को एक ही पाचन में एक मूर्ति है। और इसका चमत्कार बहुत पुराना है। यहाँ एक बार चोर चोरी करने आए और यहाँ से जैसे जेवर लेकर के बाहर निकले, दरवाजे से नहीं जा सके, अंधे होकर के गिर गए और पूरे सुबह माफ़ी मांगने पर वापस उनकी आँखें खुली। एक तरह का ऐसा मामला है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 मेले लगते हैं। होली पे मेला लगता है, शिवरात्रि मेला लगता है, जन्माष्टमी मेला लगता है, निर्जला एकादशी मेला लगता है, दीपावली पे बहुत बड़ा अंकुर का मेला लगता है और निर्जला एकादशी पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। और यहाँ फलों का भोग लगता है, इसलिए फलकुट का भोग कहा जाता है। आज COVID-19 महामारी के चलते हुए राज्य सरकार प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बचाव हुए नियम पालना करते हुए भगवान हरिहर जी के फल 2.5 क्विंटल फल फूट का भोग माननीय मुखिया जी चंद्रकांत जी सांचेर साहब द्वारा लगाया गया, महाआरती की गई और इसी तरह से इनकी पालना करते हुए हम लोगों ने पूजा अर्चना कर आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको एक बार मैं वापस श्री हरिहर जी के दर्शन कराता हूँ। एक और बता दीजिए, माना प्रताप की गाय व्यवस्था नहीं है।
धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं दुष्यंत पूर्विया, झाड़ोल, उदयपुर से।